बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो दो चीज़ें हैं। एक डिनर रोल के साथ मैं कबाब बनाऊंगी, उसमें रखने के लिए ये मैंने डो तैयार करके रखी हुई है। ये डो वही है जो मैंने पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए डो यूज़ की गई थी, वही डो है ये बिल्कुल। इसके अलावा मैंने आप लोगों को भ्यारी बोटी बनाना, भ्यारी कबाब बनाना सिखाए थे मैंने, बस वो पार्चों में भैरी कबाब का मसाला लगाया था, ये मैंने बोटियों पे लगाया है इतनी इतनी बोटियों के साथ। ये तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है जिसमें मैंने मसाला लगाया है। इसमें से आधी बोटियाँ हम उसके डिनर रोल के लिए यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं कबाब बनाऊंगी उसको हम चॉप कर लेंगे आधी बोटियों को, और आधी को हम तेल डाल के हम चूल्हे पर रखेंगे जिसका हम रोल पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा चलाया अब हम इसमें, ये तकरीबन 2 दरमियानी प्याज है, इसको मैंने रफली चॉप किया है वो डालेंगे, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पुदीना है हम वो डालेंगे इसके अंदर, और फिर इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है हमने। और इसके अलावा इसमें हम 1 चम्मच बेसन का ऐड करेंगे। बेसन डाल दिया है अब हमने, इसको अब अच्छा सा चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है हमने इसको। ये देखें हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, कीमा दिखा दें, कीमा रेडी है। अब हम इसको छोटे छोटे या बड़े आपकी मर्जी है वो कबाब बना लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बस मीडियम आंच पे ही हमने फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा तेल में नहीं करना, शलो फ्राई करना है हमने। ये देखें डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, अब हमने इसके डिनर रोल बनाने हैं। आपकी मर्जी है, आप साइज में छोटे बना लें बड़े बना लें, वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर होता है। हम थोड़े थोड़े बड़े ही बना रही हूँ, इससे छोटे भी होते हैं। ये मैंने ओवन 200 डिग्री पे गरम करके रखा हुआ है, और अब मैं उसमें ही इसको रखूँगी जब तक ये हल्की सी, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखे जाते हैं और ये रेडी हो जाते हैं। जब तक हमारा वो डिनर रोल तैयार हो रहे हैं और कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो जब तक हम रोल पराठे के लिए, ये हमने तकरीबन 3 चम्मच मैंने बड़े वाले टेबलस्पून जो है तेल डाला है, उसमें ये हम अपनी बाकी बची हुई बोटियों को इसमें डाल के दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी सी गल जाए। ये अब हमारा, ये देखें पानी भी खुश्क हो गया था भैरी कबाब का, और हमने इसको अच्छा सा भून लिया है। ये रोगन आपको नज़र आ रहा होगा साइड में आया हुआ। अब ये देखें इसमें हमें ना चटनी लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका अपना मसाला ही ये इतना बेहतरीन होता है और चटपटा होता है कि हमें अभी जो है इसकी चटनी की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसमें सिर्फ दही में हरा मसाला मिला के वो लगाएंगे। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और हम पराठों की तैयारी कर लेंगे। ये देखें हमारे डिनर रोल बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको हम हल्का सा ज़रा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसका रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको हल्का सा वो करते हैं। जब तक हम अपने पराठे भी तैयार करेंगे, ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर दोनों चीज़ें इकट्ठी में बताती हूँ किस तरह आगे तैयार करनी है। ये कितने रोल, अब हम पराठा बनाएंगे। पराठे के लिए मैंने वही आटा लिया है जो नॉर्मल घरों में गूंदा जाता है, मैंने भी नॉर्मल आटा ही लिया है। अब हमने इसको बल डालने हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर खस्ता पराठे चाहिए हों तो घी में बनाएं, अदरवाइज़ तेल में पराठे बना सकते हैं, दोनों सूरतों में पराठे बन सकते हैं। इसको हमने अच्छा सा बेल लेना है पहले, उसके बाद घी या तेल जो भी है वो लगाना है। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है जो मर्ज़ी लगाएं। और इसको ये बल देने के लिए इसको हमने उठाया, और इसको हम जैसे प्लेट्स देते हैं इसी तरह हमने इसको प्लेट्स की तरह हमने इसको ये बल देने हैं, और इसको उठा के हल्के हाथ से हमने इसको ऐसे मारना है ताकि ये लंबा हो जाए। और अब हम इसको इस तरह रोल कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पराठों के बल डल गए।
इसी तरह हमने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं और फिर हम इसको बेल के तवे पे डालेंगे। ये अब हमने बेल लिए इसको, ये पेड़े हमारे सारे तैयार हो गए थे, ये पेड़े हमारे तैयार हो गए थे, इसको मैंने इस तरह बेल लिया है। अब खुश्की लगा लगा के इसमें भी प्लेट्स जो है ना वो आप लोगों ने ऊपर रखनी है, बेलते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि पेड़ा जो है टेढ़ा ना हो, सीधा ही आपने फिर उसको बेलना है जी। ये हम आप पहले अपने बर्गर तैयार कर लेते हैं, बन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम ये अपने इसको बीच में से काटेंगे, हमने जो डिनर रोल तैयार किए हैं उसको, और इसका हम जो सॉस बनाएंगे वो मैं सॉस बताती हूँ। ये जो हम बर्गर अपने बना रहे हैं उसका सॉस के लिए मैंने 3 चम्मच केचप लिया है, इसमें 3 चम्मच के करीब ही ये मायो गार्लिक सॉस है, क्रीमी सॉस जो होती है वो मैं डालूंगी। थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, तकरीबन एक टीस्पून के करीब गया है इसमें, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये बारबेक्यू सॉस, और 1 टेबलस्पून ही हॉट सॉस या सोया सॉस जाएगा इसके अंदर, चिली सॉस। इसको मिक्स करके हम इसका ये सॉस बना लेंगे। ये देखें हम इसके दोनों साइडों पे वही सॉस लगा रहे हैं। इस पे हमने कबाब रखना है, प्याज और टमाटर आप लोगों की पसंद के ऊपर है, आप लोग खाते हैं तो रखें वरना रहने दें। और ये हमारा डिनर रोल तैयार है। अब हम अपने पराठों की तैयारी कर लेंगे। इसमें मैंने ये जैसे सलाद के लिए प्याज और टमाटर काटते हैं, इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाला है, और इसको हम मिक्स करके पराठे में फिलिंग करेंगे। इसमें हमने ये मैंने आपको बताया था दही में हरा रायता मिला के रखा है मैंने, ये हम लगाएंगे थोड़ा सा। मैंने जैसे बताया था बिहारी के मसाले में मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको चटपटा ज़्यादा नहीं किया है। अगर आप लोगों के यहाँ तेज़ मिर्ची खाई जाती हो तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। इसमें फिर हमने ये अपने बिहारी की बोटियाँ जो हैं वो रख देनी है, ये हमने मसाले के साथ ही लगानी है ताकि इसका मसाला भी अच्छा सा फिलिंग हो इसमें। और ये सलाद हमने मिक्स की है ये भी हम इसमें अच्छी सी मिक्स कर लेंगे पहले, और इसमें फिर हम ये इस तरह सलाद भी ऐड कर देंगे। ये इसको हम रोल कर लेंगे। ये हमारा रोल पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम अपने सारे तैयार कर लेंगे। बस हमारे डिनर रोल और रोल पराठा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। एक ही तरीके से मैंने 2 चीज़ें बनाना सिखाई हैं आप लोगों को। कबाबों के लिए भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती है, एक दिन पहले आप बोटियों पर मसाला लगा के रख दें तो ये सब काम इकट्ठा हो जाता है। बस मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।